नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है सच न्यूज नेटवर्क पे और मैं आपके साथ जानवी गुप्ता। माँ वैष्णो देवी के यात्रियों के लिए एक बड़ी अपडेट इस समय सामने निकल कर आ रही है। आपको बताते चले कि माता के भक्तों को अब बड़ी राहत मिलने वाली है। जी हाँ दर्शकों, माता वैष्णो देवी आने वाले सभी श्रद्धालुओं को अब एक ही स्थान से मिलेगी हेलीकॉप्टर, रेल व परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की सभी सुविधाएं। बिल्कुल सही सुन रहे आप। चलिए आइए जान लेते हैं क्या है बड़ी अपडेट, क्या है पूरी खबर जो सामने आ रही है। जिस तरह से पहले बताया कि श्रद्धालुओं के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है, खबर ये है कि श्री माता वैष्णो देवी के यात्रियों को अब एक ही स्थान से मिलेंगी हेलीपैड, सड़क व रेल परिवहन की सभी सुविधाएं। जी हाँ, आपको बता दें कि इसके लिए कटरा में इंटर मॉडल स्टेशन यानी कि IMS का निर्माण किया जाएगा और 3 साल में ये 2 फेजेस में, 2 चरण में बनकर तैयार होगा। जानकारी दे दें कि बुधवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई एक प्रशासनिक परिषद की बैठक में हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स डिपार्टमेंट में इसके प्रपोजल को मंजूरी दे दी है और साथ ही कटरा डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करते चले तो कटरा डेवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से इंटर मॉडल स्टेशन को विकसित किया जाएगा। अब इस प्रपोजल के लिए आपको बता दें कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और रेलवे मंत्रालय साथ ही साथ जम्मू कश्मीर सरकार के साथ समझौता हस्ताक्षर होगा और मीटिंग में ऐसा बताया गया कि इंटर मॉडल स्टेशन यानी कि IMS में रेलवे, सड़क व हेलीकॉप्टर सर्विसेज के लिए ढांचागत सुविधा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को विकसित किया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि बस, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और निजी वाहन भी एक ही जगह पर अब यात्रियों को मिल पाएंगे और इंटर स्टेशन मॉडल की यहां पर बात करते चले तो इसके पहले फेज में आपको बता दें कि पब्लिक जोन व दूसरे फेज में, दूसरे चरण में व्यावसायिक ढांचा यानी कि बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो विकसित किया जाएगा। इसके डेवलप होने से यात्रियों को अब बहुत सा फायदा मिलने वाला है क्योंकि पहला तो ये कि समय की बचत होगी और साथ ही आर्थिक बोझ भी कम होगा। इससे वे जम्मू कश्मीर में ज्यादा समय तक रुक पाएंगे यानी कि टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा मिलने वाला है और भी एडवांटेजेस की बात करते चले तो कारोबार बढ़ेगा और सुधरेगी अर्थव्यवस्था। जी हाँ दर्शकों, कटरा में IMS के विकसित होने से व्यवसायिक यानी कि बिजनेस व इकोनॉमिकल सेक्टर्स को भी अब बढ़ावा मिलने वाला है और समझौता हस्ताक्षर से परियोजना को टाइम बाउंड तरीके से पूरा करने में मदद मिलेगी। कटरा डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से MOU यानी कि एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया है। तो ये था बड़ा प्रपोजल जो कि माँ वैष्णो देवी यात्रियों के लिए अब है कि अब एक ही स्थान से उन्हें ट्रांसपोर्टेशन की सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी यानी कि रेलवे, हेलीपैड और सड़क परिवहन की बात करते चले तो अब एक ही जगह से यात्रियों को सारी सुविधाएं मिल सकेंगी। बड़ी, बहुत ही राहत बड़ी खबर जो है वो सामने निकल कर आ रही है। दर्शकों, इसके अलावा जानकारी देते चले कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में बुधवार को हुई एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग में पब्लिक पर्पसेस के लिए गवर्नमेंट लैंड के ट्रांसफर को भी मंजूरी दे दी गई है। जी हाँ, इसी के साथ जम्मू जिले की बात करते चले तो जम्मू जिले के गांव मजीन में 40 साल की लीज पर 15 कनाल भूमि श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को ट्रांसफर करने की मंजूरी दी गई है। यहाँ श्राइन बोर्ड यात्री निवास और आपदा प्रबंधन केंद्र का निर्माण करवाएगा। वहीं दूसरी ओर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने सांबा जिले के विजयपुर तहसील के गांव चक ज्वाला में 38 कनाल और 19 मरला भूमि को हैंडीकैप जनता के लिए भी रीजनल सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट, रिहैबिलिटेशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्थापित करने की जमीन जो है वो ट्रांसफर करने की मंजूरी दी है। जी हाँ, इसके अलावा आपको बता दें कि भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की तरफ से इस भूमि को, इस लैंड को कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर जो है वो स्थापित किया जाएगा और सेंटर स्थापित होने से जितने भी हैंडीकैप पीपल है जम्मू कश्मीर के, तो हैंडीकैप पीपल को एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग व ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और साथ ही साथ हैंडीकैप के लिए रिहैबिलिटेशन एंड वेरियस अदर एड डिस्ट्रीब्यूशन जैसी सेवाएं जो है वो एक्सपर्ट की जो टीम है वो उनको मिल सके। अब
हिंसा प्रपोजल्स के बीच कश्मीर की डेवलपमेंट्स की भी बात करते चले तो कश्मीर के लिए भी बहुत प्रपोजल्स सामने आए। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने कश्मीर के बडगाम जिले में 50 बेड के आयुष अस्पताल के लिए 10 कनाल और 11 मरला भूमि जो है वो स्वास्थ्य विभाग को ट्रांसफर करने की हरी झंडी दिखाई। जी हाँ, साथ ही प्रशासनिक परिषद ने अनंतनाग जिले के गाँव दोनीपावा में केंद्रीय विद्यालय के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को 28 कनाल भूमि जो है वो देने की मंजूरी दी। और बडगाम जिले की तहसील इचगाम की बात करें तो वहां पर 8 कनाल भूमि ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के हक में ट्रांसफर की है। और बरामुल्ला में ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज विभाग के कार्यालय के निर्माण के लिए 6 कनाल भूमि जो है वो ट्रांसफर करने की भी मंजूरी दी है। इसी के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने 1 कनाल भूमि ट्रेजरी के इमारत के निर्माण के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट के हक में लंगेट में ट्रांसफर करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। तो दर्शकों, ये थी पूरी खबर आपके सामने। जिस तरह से बुधवार की बात करते चले तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में प्रशासनिक परिषद की एक मीटिंग होती है और इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के बहुत से डेवलपमेंट प्रपोजल्स जो है वो सामने निकल कर आते हैं। और सबसे बड़ा प्रपोजल की यहाँ पर बात करते चले तो माँ वैष्णो देवी यात्रियों के लिए था, जहां पर अब उन्हें एक ही स्थान से ट्रांसपोर्टेशन की सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। यानी कि इंटर स्टेशन मॉडल जो है वो आने वाले सालों में वहां पर बनाया जाएगा, जहां पर उन्हें रेलवे, हेलीपैड और सड़क परिवहन की सारी सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी। इसी के साथ साथ कश्मीर के लिए भी बहुत प्रपोजल सामने आए हैं और जम्मू के सांबा और विजयपुर तहसील में भी बहुत से प्रपोजल्स जो है वो सामने निकल कर आए हैं। इंतजार है तो अब इन डेवलपमेंट्स का देखने को। यानी कि अभी तक तो ये सिर्फ पेपर्स पर साइन है, ग्राउंड रियलिटी पर ये डेवलपमेंट्स कब देखने को मिलती हैं वो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत।